देश की बूंद में बातों में यादों में एक सफर पे चलते हैं ले तुमको कहीं तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। स्वर हैं अंजू पांडे, मेजर अखिल प्रताप के। प्रस्तुत करता है अभिनय श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो। अरे भाई साहब दीजिए ना, मैं कब से आपसे मांग रही हूँ। मैडम आपने जो दवाइयाँ मांगी थी वो तो मैं कब का दे चुका हूँ, अब आप और क्या मांग रही हैं? ओफो, आपने दवाइयाँ तो दे दी लेकिन कैश मीमो नहीं दिया। अरे मैडम भीड़ भाड़ में। केमिस्ट्स के लिए दवाइयों की खरीद का कैश मीमो यानी बिल देना अनिवार्य है, तो बहाने नहीं कैश मीमो बनाइए और दीजिए। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। इस अंक में मैं अंजू पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय द्वारा कारगिल युद्ध में विजय का परचम लहराया था। इसी उपलक्ष में हमारे प्रसारण में आप सुन रहे हैं 13 कड़ियों की हमारी विशेष प्रस्तुति। एक साथी और भी था। यह प्रोग्राम समर्पित है उन सैनिकों को जो ज्यादातर श्रोताओं के लिए अनसुने हैं, अनदेखे हैं, लेकिन जिनकी कुर्बानी और जज्बा देश के लिए उतना ही मायने रखता है जितना बाकियों का। इस कार्यक्रम के लेखक और प्रस्तोता हैं हमारी भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी मेजर अखिल प्रताप। तो आइए सुनते हैं एक साथी और भी था, फौजियों की कहानी एक फौजी की जुबानी। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। छुटपुट पटाखों की आवाज से मेरा मासूम उठ पड़ता, फिर पूछता पापा कब लौटेंगे। मैं थपकी देती फिर कहती मैं हूं ना, सुना कल सरहद पर बमबारी हुई थी। कुछ ऐसा ही हुआ होगा श्रीमती कनिका राणे और उनके 2.5 वर्षीय बेटे अगस्त्य राणे के घर। पिछले हफ्ते कश्मीर के गुरेज इलाके की घाटी से मेजर कौस्तुभ प्रकाश कुमार राणे, सेना मेडल 12 गढ़वाल राइफल्स, घर नहीं लौटे। 36 राष्ट्र राइफल्स के ऑफिसर्स मेस की विजिटर्स बुक में उनके शब्द उन्हीं की तरह अमर हो गए। उन्होंने लिखा था, अब आया हूं तो कुछ तो करके दिखाऊंगा। मेजर राणे ने वही किया जो उनसे 19 साल पहले एक कप्तान ने किया था। हमारे कश्मीर में घुसपैठियों के खिलाफ जंग, हमारे कश्मीर में, हमारे। 13 एपिसोड के मेरे कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आप थे पश्चिम भारत में,
आठवें एपिसोड में अब पश्चिम से चलते हैं पंजाब। भारत के इतिहास में शायद ही कोई पन्ना होगा जो पंजाब की स्याही के बगैर पूरा हो जाए। वीरों की भूमि है पंजाब, जितना अनाज देती है उतने ही बहादुर। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद फौजी थे। पंजाब की आबो हवा में पराक्रम है। पठानकोट से गुजरते हुए आपको एक ताबा मिलेगा जिसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, वेला बैठना मना है। वेला मतलब बेकार। ये जुमला पंजाब और फौजियों को समेट देता है। कर्म प्रधान मिट्टी है पंजाब की। इस वीर भूमि से निकला था एक और वीर, कैप्टन अमोल कालिया, और मैं मेजर अखिल प्रताप, भारतीय सेना का एक पुराना फौजी। चल तू अपना काम कर, चल तू अपना काम कर, अकल दिखाना शकल दिखाना, दिन नसीहत करना फजीहत, यू ना ट्रैफिक जाम कर। चल चल तू अपना काम कर, चल चल तू अपना काम कर, चल तू अपना काम कर। कैप्टन अमोल कालिया और विंग कमांडर अमन कालिया के पिता ने उन्हें यही सिखाया था। उनके पिता श्री सतपाल कालिया कर्म प्रधान हैं, अपनी मिट्टी की तरह, और उनके बच्चे उनकी तरह। अरे पास पड़ोस में क्या बनता है, क्या है मसाला क्या है तेल, तुझको इससे क्या लेना है, तुझको तुझको इससे क्या लेना है रे, इससे क्या लेना है, तुझको इससे क्या लेना है। इमोशन होते सेल, सभी इमोशन होते सेल, सभी इमोशन होते सेल, राजनीति की शॉप है यारो, सभी इमोशन होते सेल। बॉर्डर पे अपनी सेना है, बॉर्डर पे अपनी सेना है, तू ट्विटर पर छोड़ मिसाइल, सुबह बैठ और शाम कर, चल दिल बोला, क्या दिल बोला? बोला अपना काम कर, दिल बोला अपना काम कर, दिल बोला अपना काम कर, बोला दिल बोला अपना काम कर। कुछ शब्दों के मायने खत्म हो चले हैं, बुजुर्ग, जुबां, गैरत, इंसानियत, ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास, परोपकार, निस्वार्थ, ये सिर्फ शब्द रह गए हैं किसी पुराने से बूढ़े शब्दकोश में। नहीं, लेकिन कैप्टन अमोल कालिया के पिता ने तो उन्हें यही सिखाया था 26 फरवरी 1974 से, जिस दिन वो उनके आंगन आए थे। फोन कर रहा क्या और फोन क्या का यहाँ नहीं करता, इसी फिक्र में सूख रहा, अरे फिक्र से पेट नहीं भरता, बैठ चैन से घर पे और आराम से अपनी किस्मत कोस, आराम से अपनी किस्मत कोस, आस पास बालों से या फिर मड़ दे अपने सारे दोस्त, मड़ दे अपने सारे दोस्त, सबको
शिक्षक के घर एक और शागिर्द ने दाखिला ले लिया था। अमोल के नैन नक्श उनके पापा की तरह ही थे और उन्हीं की उंगलियां थामे आहिस्ता आहिस्ता अमोल फर्टिलाइजर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सीढ़ियां चढ़ गया। भाखड़ा नंगल डैम का नाम तो सुना ही होगा आपने, वही नगर नंगल। अमोल का इरादा फौजी बनने का नहीं था, अलबत्ता उनके पिताजी की इच्छा थी कि उनके बेटे किसी भी ऐसे पेशे में जाएं जिसमें सेवा करने का मौका ज्यादा हो और भ्रष्टाचार का कम से कम। और भारतीय सेना इस कसौटी पे खरी उतरती है। उनके बच्चों ने उन्हें मायूस नहीं किया। दोनों भाइयों ने भारतीय सेना में कमीशन लिया। बड़े भाई अमन वायु सेना में गए और अमोल थल सेना में। दिसंबर 1995 नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला से कदम ताल करते लेफ्टिनेंट अमोल कालिया ने कदम मिलाया जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इंडियन आर्मी की एक अनूठी रेजिमेंट। ये रेजिमेंट पूर्ण रूप से जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों से बनी है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य के जवान। इंडियन आर्मी की इकलौती इन्फेंट्री रेजिमेंट जिसे अंग्रेजों ने हमारे हवाले नहीं किया था। इस रेजिमेंट की पैदाइश 1947 में उन देशभक्त वासियों की देन है जो पाकिस्तान की घुसपैठ के खिलाफ अपने जम्मू और कश्मीर की हिफाजत में खड़े हो गए थे और उस लड़ाई में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जैकलाई यानी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में 50% मुसलमान और 50% बाकी धर्म के जवान हैं, प्रतिशत बिल्कुल बराबर। इस रेजिमेंट ने ही भारतीय सेना में सर्व धर्म स्थल की स्थापना की थी। और जनाब यहां हिंदू रोजा रखते हैं और मौलवी साहब दिवाली की पूजा करवाते हैं, इसे कहते हैं हिंदुस्तान। चलते हैं 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के साथ उन्हीं के राज्य के एक इलाके बटालिक में। चलते हैं कप्तान कालिया के साथ। साल था 1999, महीना मई का। सियाचिन से उतरती 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अग्रिम दल के साथ कैप्टन अमोल कालिया पहुंचे दिल्ली अपने पापा को उनके जन्मदिन पे बधाई देने। वो अचानक उनके सामने आ धमके।
लेकिन जो ही उन्हें ज्ञात हुआ कि जंग के मद्देनजर उनकी पलटन लेह से बटालिक की ओर मोड़ दी गई थी, वे अगले दिन ही निकल पड़े। उनकी किस्मत भी शायद मुड़ चुकी थी। उनके बड़े भाई विंग कमांडर अमन कालिया उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और उन्हें भी कारगिल की ओर भेजा जा रहा था, लेकिन फिर राजस्थान के बाड़मेर में तैनात कर दिया गया था। नियति कहते हैं इसे। मिशन बटालिक और पॉइंट 5203, 17,000 फीट की ऊंचाई, तापमान -5 से -10 के बीच, कारगिल युद्ध का सबसे विषम इलाका। रास्ता ऐसा कि यदि दूरबीन का इस्तेमाल भी किया जाए तो भी एक आम इंसान का दिमाग चकरा जाए। और क्या बोलूं? 8 जून 1999, तय किया गया कि जंक लुंगपा नाले के रास्ते आक्रमण होगा और रात में होगा। दिन में दुश्मन को कैप्टन कालिया के दस्ते की हरकत नजर आ जाती। रात आई, कप्तान साहब सूबेदार बहादुर सिंह, लांस नायक गुलाम मोहम्मद खां और 11 की नफरी सहित कूच कर गए। सूबेदार बहादुर सिंह को वो मना कर चुके थे क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब थी, लेकिन सूबेदार साहब माने नहीं। दोनों का जज्बा देखिए साहब, बर्फबारी, गोलीबारी और बमबारी जोरों पे थी। सबसे कठिन रास्ता जो पकड़ा था कैप्टन कालिया ने, पर सरप्राइज एलिमेंट कहते हैं इसे। लंबी चढ़ाई के बाद दुश्मन पे चढ़ने का वक्त आ गया। कैप्टन कालिया के इशारे पे लांस नायक गुलाम मोहम्मद खान ने रॉकेट लॉन्चर से पहला राउंड फायर कर दिया और भारत माता की जय के युद्ध घोष के साथ 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वो 14 बहादुर हावी हो गए। टक्कर की लड़ाई हुई। दुश्मन उस चोटी पे भारी तादाद में बैठा था। नामुमकिन लक्ष्य था। तकरीबन 7 घंटे के घमासान के बाद कैप्टन अमोल कालिया और उनकी टुकड़ी ने चोटी पे अपने पांव जमा लिए। करीब 8 दुश्मन मारे गए और बाकी खामोश हो गए। 9 जून 1999, थकान से चूर कैप्टन कालिया और उनकी टुकड़ी ने दम लिया और अगले कदम पर विचार। उन्हें जरा अंदेशा नहीं हुआ कि दुश्मन दूसरी ओर से पलटवार करेगा, वो भी घंटों के अंदर। सुबह की पहली किरण के साथ दुश्मन ने उनके दोनों तरफ से हमला बोल दिया। यूनिवर्सल मशीन गन्स और तोपखाने के साथ अचानक हुए दो तरफा हमले से वो फंस चुके थे। हमारी लाइट मशीन गन और उसका जवान गिरा। सूबेदार साहब ने दो को घेर के मार गिराया, लेकिन वो भी वीरगति प्राप्त कर गए। कैप्टन अमोल कालिया शायद जानते थे कि अब जैकलाई रेजिमेंट के सिद्धांत को निभाने का समय आ गया है। बलिदानम वीर लक्षणम, बलिदान वीर का लक्षण है। उन्होंने जवानों को हौसला दिया और खुद ने 10 किलो भारी 7.62 mm लाइट मशीन गन
उठाई। शिष्ट लेने का समय नहीं था, बस हथियार कॉक किया और नली का मुंह खोल दिया। उन्होंने अकेले ही 6 दुश्मनों की लाशें बिछा दी। 9 जून सुबह 9 बजे के आसपास 0.5203 को कैप्टन अमोल कालिया और 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 12 सैनिकों ने दुश्मन के लहू से लाल कर दिया था। 0.5203 आज कालिया हिल के नाम से जाना जाता है। कैप्टन अमोल कालिया ने 2 जून को मैदाने जंग से एक आखिरी खत अपने पापा को लिखा था, जो उन्हें 12 जून को मिला। और इत्तेफाक कहें इसे या एक क्रूर हकीकत, कि उसी दिन उस पिता को ये मालूम हुआ कि खत लिखने वाले उनके बच्चे के वो हाथ 3 दिन पहले उनसे छिन चुके थे। वो अमोल जो उनके लिए अनमोल था। जानते हैं उस खत में क्या लिखा था? मां पापा, मैं जून खत्म होते होते आ जाऊंगा। आप जल्दबाजी में हों तो उसके बाद मेरी शादी की बात बढ़ा लें। बात नहीं बढ़ पाई क्योंकि जून तो खत्म नहीं हुआ था, वरन कैप्टन कालिया खत्म हो चुके थे। कैप्टन अमोल कालिया जिस स्कूल से पढ़ के निकले वो आज उनके नाम का है। कैप्टन अमोल कालिया फर्टिलाइजर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर नंगल के शिवालिक एवेन्यू में स्थित कैप्टन अमोल कालिया सदन कालिया परिवार का घर नहीं है, यादों का ताजमहल है जो उन्होंने अपने बेटे की याद में बनवाया है। उन दीवारों के दरमियान या तो कैप्टन अमोल कालिया रहते थे या उनकी यादें। उनके घर की छत पे उनकी रेजिमेंट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का झंडा शान से लहराता है और उसके ठीक नीचे है एक तोप का प्रतिरूप। उस तोप का मुंह हमारे पड़ोसी की तरफ है क्योंकि 1999 में उसी मुल्क ने हमारी पीठ पर छुरा भोंका था। छत से आपको एक बाग दिखेगा जिसका नाम है कैप्टन अमोल कालिया पार्क और पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा के रोपड़ ऊना मार्ग पे है शहीद कैप्टन अमोल कालिया द्वार, अब भी रक्षा करते हुए। पंजाब ने अपने बहादुर की कुर्बानी को माकूल श्रद्धांजलि दी और हिंदुस्तान ने वीर चक्र। शहीदों के लिए आंसू नहीं बहाते, उन पर फख्र करते हैं। शहीद भगत सिंह और कप्तान अमोल कालिया दोनों एक हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों देश की आजादी के लिए लड़ते हैं, दोनों ही मुल्क का वजूद कायम रखते हैं। हम जिस आजाद देश की खुली हवा में सांस लेते हैं इसकी कीमत होती है साहब, और वो है स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के अश्रु, स्वेद और रक्त। एक फौजी और उसके परिवार को बस इतनी ही उम्मीद होती है कि जिस देश को उसने अपना खून दिया है वो उसे ना भूले। क्या हम इस उम्मीद को समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, कैप्टन अमोल कालिया थे तो हम हैं। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे,
एक साथी और भी था, मैं मेजर अखिल प्रताप। जय हिंद। कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवान। अब तक चट्टानों पे है अपने लहू के निशान। साथी मुबारक तुम्हें, ये जश्न हो जीत का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक साथी और भी था, लेखन और वाचन स्वर था मेजर अखिल प्रताप का। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम हमारे सोल्जर्स के नाम है, हमारे सैनिकों के नाम है, हमारे इन वीर सेनानियों के लिए, अपने इन सोल्जर्स के लिए। आपके मन में भी जरूर कुछ संदेश आते होंगे। यकीन मानिए, जब ये संदेश रेडियो के रास्ते उन तक पहुंचते होंगे तो उनका मनोबल कितना बढ़ जाता होगा। आइए शामिल करते हैं ऐसे ही कुछ संदेश अपने सोल्जर्स के लिए। मैं अमर शहीद कैप्टन अमोल कालिया का पिता सत्यपाल कालिया बोल रहा हूँ, जिसकी कहानी आज आपने सुनी। जब मेरी मेजर अखिल प्रताप से बात हुई तब मुझे एक अद्भुत सी शांति मिली कि मेरे बेटे को आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 19 साल बाद भी आप सब ने अमोल को जिंदा रखा हुआ है, अमोल को याद रखते हैं। आज के दौर में हम सब रेडियो सुनना तो लगभग भूल ही चुके हैं, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम आते हैं तो हम लौट आते हैं। मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगाई, देश के लिए अपनी जान बलिदान दी। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी काम में लगे हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करिए, इसी से देश की तरक्की होगी। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आज के अंक में बस इतना ही। आपको आज का अंक कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें SMS और खत के जरिए भेजना न भूलें। हमारा पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 616, नवीन प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। SMS करने के लिए आप मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर सबसे पहले टाइप करेंगे संदेश टू सोल्जर्स, उसके बाद अपना संदेश लिखेगा। अपना नाम लिखने के बाद इसे रवाना कर दीजिए हमारे इस नंबर पर जो है 53010, यानी 53010। अब आपकी दोस्त अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, फिर हाजिर होंगे नए अंक के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। स्वर थे अंजू पांडे, मेजर अखिल प्रताप के, प्रस्तुतकर्ता थे अभिनय श्रीवास्तव। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना, ढूंढते कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM।